लेकिन मनुष्यता इतनी पतनशीलता की ओर जा रही है, हर व्यक्ति के जीवन में दुख और दर्द यही दो केवल उपहार हैं उसके जीवन में। जिससे पूछो उसके जीवन में दुख है, जिससे पूछो उसके जीवन में दर्द है, ये उपहार है इस कली काल का। तो जीवन के प्रत्येक क्षण का प्रयोग अपने दुखों से मुक्ति के लिए करना चाहिए, नथिंग एल्स। डोंट वेस्ट योर टाइम। एक एक क्षण अपने जीवन में कैसे भक्ति, प्रेम, आनंद, आह्लाद, प्रेम के सुगंधित पुष्प खिल उठे, इसके लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। एक पल भी वेस्ट मत करो, क्योंकि भीतर में जो आग लगी है वो आग बढ़ती जाएगी, दुखों की, कष्टों की, मानसिक यंत्रणाओं की, अभावों की। ये मत सोचो कि आंखें बंद कर लोगे और टाइम वेस्ट कर लोगे तो तुम्हारी जिंदगी में कोई सुगंधित फूल खिल जाएंगे। इस वर्ल्ड के ही नहीं, इस यूनिवर्स के ही नहीं, 14 भुवन और 3 लोक के बेस्ट मैनेजमेंट मास्टर श्री हनुमान जी हैं। बट उसे क्या लाभ जब उनके मैनेजमेंट की विद्या से हमारे जीवन में कोई चीज मैनेज हो ही नहीं रहा। वो जस्ट एक मंदिरों में सिंदूर में रंगे हुए पत्थर की तरह हो गए। बाहर 2-4-10 लोग लड्डू बेचने के लिए बैठ गए। हमारे तुम्हारे जैसे अभाव से ग्रसित लोग बिना ज्ञान को उपलब्ध हुए जाकर लड्डुओं को उनके ऊपर चढ़ाकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझकर अपने उन दुखों को और वर्धित कर रहे हैं। कैंसर हो गया है, इलाज न कराओगे तो वो रुकेगा नहीं। शरीर में कोई रोग हो गया है, अगर तुम ठीक वक्त पर चिकित्सा प्रारंभ न करोगे तो नासूर बन जाएगा और कालांतर में दुनिया के मनुष्यों के साथ यही हुआ है। हर के जीवन में छोटे जख्म थे, अब वो सब नासूर बन चुके हैं। अभी भी वक्त है, समय है, लेकिन समय जागृति का है, अवेयरनेस का है। जब तुम उतने अलर्ट रहोगे, अलर्ट मोड पे, तभी जागृत हो पाओगे। आलस्य, आमाद, प्रमाद, इग्नोरेंस, ये सब अगर तुम्हारे जीवन में है, धर्म के प्रति, गुरु के प्रति, शास्त्र के प्रति, कथा के प्रति, तो मंगल नहीं हो सकता। व्यासपीठ से इस बात को दावे के साथ नहीं, 100% लिखित तौर पर विद सिग्नेचर देने को तैयार हूं। नो वन कैन हेल्प यू, तुम अपना मदद स्वयं कर सकते हो। बुद्ध ने कहा अप्पो दीपो भव, अपने दीप स्वयं जलाओ। तुम्हें इशारे कर सकते हैं गुरु, वो प्रबोधवान प्रज्ञावान महापुरुष तुम्हें इशारे कर सकते हैं, बट तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारी जिंदगी स्वतंत्र है, तुम गुलाम नहीं हो किसी के, अधीन नहीं हो तुम। निर्णय भी तुम्हें ही करना होगा और निर्णय पास्ट के आधार पर ही करते हो। अपने पूर्व की जिंदगियों को देखो, उनके रोते हुए चेहरों को देखो, उनके जीवन में अभाव, प्रेम की कमी,
मुस्कुराहटों का संपूर्ण रूप से गायब होना है। देखो अपने पूर्वजों में और अलर्ट हो जाओ कि मुझे ऐसे नहीं जीना, मैं क्रांतिकारी हूं, मैं क्रांति करूंगा।